भागलपुर जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल जिले के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ट्रक के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कॉर्पियो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि गाड़ी में आगे बैठे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शनिवार के मध्य रात्रि की है, जहां पटना की ओर से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो ट्रक से जा टकराई, जिससे गाड़ी में सवार पटना सिटी नया टोला जमुनापुर निवासी द्वारका प्रसाद सिंह के 37 वर्षीय पुत्र जयप्रकाश कुमार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक जयप्रकाश कुमार विवाहित थे और वे अपने पीछे पत्नी के साथ 9 वर्षीय पुत्री और 8 वर्षीय पुत्र को छोड़ गए। मृतक जयप्रकाश मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत थे, जो स्कॉर्पियो से मोबाइल डिलीवरी देने के लिए पटना से भागलपुर के पीरपैंती जा रहे थे, तभी शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में आगे चल रही ट्रक से उनकी स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने पर शिवनारायणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर घायल स्कॉर्पियो चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि इसके बाद घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजन का फर्द बयान दर्ज कर सबको पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया। इधर घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई दिलीप कुमार ने बताया कि देर रात करीब 3 बजे उन्हें कंपनी से फोन आया कि जयप्रकाश कुमार का भागलपुर जिले के शिवनारायणपुर पल गांव में एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन जब सभी घर वाले घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला कि उनके भाई की मृत्यु हो चुकी है। वहीं शिवनारायणपुर थाना प्रभारी बबलू कुमार का कहना है कि देर रात स्कॉर्पियो ने खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पुलिस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है। हम ब्रेक मार लिए, ब्रेक स्लिप कर गया, चक्का स्लिप कर गया, ब्रेक पंडिल में टाइट कट रहा था। तुम्हारा कहाँ घर है बताओ, तुम्हारा तुरंत सत्यापन करते हैं कि तुम कैसा पिया। कहाँ का रहने वाला है बताओ, कहाँ का रहने वाला है? नूरपुर कटरा बाजार के रहने वाले हैं। कौन जिला? थाना भी मेरा मलसरानी ही पड़ता है। साढ़े तीन बजे सूचना मिली, किसने दिया था? किसने, एक कंपनी के तरफ से कॉल आया था। अच्छा, जहाँ पे काम करते हैं वो हम है, मेरा जीजा जी है। अच्छा, क्या, क्या मेरे भैया का उस साला साहब है और दो और तीन और है। अच्छा, वहाँ से सब चले। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशी वार्ड संख्या 2 में पतंग उड़ाने के दौरान एक पुराने घर की छत अचानक भरभरा कर गिर जाने से करीब आधा दर्जन बच्चे उसकी चपेट में आ गए, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल रविवार की शाम इस घटना में आधा दर्जन बच्चे मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक बच्चे की मकान के मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और अफरा तफरी के माहौल में इसकी सूचना सुल्तानगंज थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पतंग उड़ाने के दौरान राजन मंडल के 6 वर्षीय पुत्र ओम कुमार और हिमांशु की दबकर मौत हो गई, जबकि घायलों में मृतक का 3 वर्षीय भाई सोम कुमार, पंकज कुमार मंडल का पुत्र सुमन कुमार और सत्यम कुमार, रंजन कुमार उर्फ निरंजन मंडल का पुत्र पीयूष कुमार उर्फ सन्नी एवं सन्नी मंडल का पुत्र छोटू कुमार शामिल है। सभी घायलों को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गंभीर रूप से जख्मी सुमन कुमार और पीयूष कुमार को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि ध्वस्त हुआ मकान करीब 85 वर्ष पुराना और काफी कमजोर हो चुका था। साथ ही लोगों ने बताया कि पतंग उड़ाने के दौरान अचानक छत गिरने से वहां मौजूद सभी बच्चे इसके नीचे दब गए, जिसके बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा लोगों की मदद से इलाज के लिए घायलों को अस्पताल भेजा गया, जबकि इसके बाद पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। सनी मंडल, कहाँ चोट लगा है तुमको? और कहीं भी चोट लगा है? और घूम गया। अच्छा, ठीक है, ठीक।
भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र निवासी डिफेंस में कार्यरत शैलेश कुमार की पत्नी अलका राज को उसके अपने ही घर से सौतेले देवर द्वारा बेदखल कर देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है करीब एक साल से अलका राज न्याय के लिए थाने का चक्कर काट रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाया, जिसके बाद अलका अपनी न्याय की गुहार लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंची। वहीं महिला की शिकायत को सुनकर SSP आनंद कुमार ने उसे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। हालांकि बड़ी बात यह है कि पिछले एक वर्ष से थाना का चक्कर लगाने के बावजूद सीमा पर तैनात फौजी की पत्नी को जब न्याय के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ती है तो आम लोगों के प्रति पुलिस की कार्यशैली क्या होगी, इसका गंभीरता से अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के निर्देशानुसार सोमवार को भागलपुर के आनंद राम डंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में भारतीय भाषा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उस देश की भाषा एवं संस्कृति का समृद्ध एवं शक्तिशाली होना आवश्यक है। उन्होंने तमिल के महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जीवन आदर्श पर विस्तार से चर्चा करते हुए भाषा महोत्सव को लेकर अपनी बातें रखी। वहीं कार्यक्रम के दौरान शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग एवं तरुण वर्ग के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अलावा चित्रकला, नृत्य, पोस्टर और भारतीय भाषा पर आधारित कई प्रतियोगिता आयोजित हुई। कार्यक्रम में करीब 1200 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इधर विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य अभिनंदन सिंह ने छात्र छात्राओं को तमिल के महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्मोत्सव पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी, जबकि कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक भीष्म मोहन झा समेत कई शिक्षक शिक्षिका भी मौके पर मौजूद रहे। भागलपुर शहर के बीकनपुर गुमटी नंबर 3 से दक्षिणी क्षेत्र के मिर्जानहाट शीतला स्थान चौक तक बन रहे 1392 मीटर लंबे भोलानाथ पुल फ्लाईओवर के लिए पिलर की पाइलिंग का काम जारी है। फ्लाईओवर निर्माण कार्य को लेकर पिलर की पाइलिंग के साथ ड्रेनेज का भी कार्य तेजी से कराया जा रहा है, जिसको लेकर जनरेटर के माध्यम से इंजन लगाकर नाले का पानी निकाला जा रहा है। हालांकि कुछ दिन पूर्व भी बारिश के कारण ड्रेनेज और निर्माण कार्य बाधित हुआ था, लेकिन मौसम के सामान होते ही पुनः कार्य को शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नाले के पानी के जमा हो जाने के कारण नाला का पानी सड़क पर आ गया, जिससे कार्य करने में बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर मोटर इंजन की मदद से पानी को निकाला जा रहा है। वहीं इससे पूर्व ही निर्माण कंपनियों के द्वारा बिजली का पोल, तार और ट्रांसफार्मर को शिफ्ट कर दिया गया, जबकि पुराने पोल को 3 दिन पूर्व ही काट कर हटा दिया गया है।